मैथ स्पेशल बैच में आप लोगों का स्वागत है आज से हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक सेक्शन का अर्थमेटिक सेक्शन के दो टॉपिक्स बेस हैं यानी पिलर हैं। वो दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला रेशियो एंड प्रपोशन रेशियो एंड प्रपोशन एंड सेकेंड टॉपिक जो है वो है परसेंटेज अगर ये दो टॉपिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है यानी आपने बेस बिल्ड कर लिया तो आपके पूरी की पूरी अर्थमेटिक सेक्शन में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप हरेक क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग को करते हुए दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेशियो एंड प्रपोशन परसेंटेज क्योंकि इसी का यूज पूरी मैथमेटिक्स में है चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया जाए टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर्न जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस आपका डिस्काउंट टॉपिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हर जगह हम इन दोनों का ही यूज करेंगे इसीलिए दोनों टॉपिक पिलर हैं तो फ्रेश जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है रेशियो एंड प्रपोशन रेशियो एंड प्रपोशन टॉपिक करने से पहले परसेंटेज टॉपिक करने से पहले आपका दो जो मैंने आपको अर्थमेटिक का बेसिक सिखाया हूं टू क्लास में क्लास वन अर्थमेटिक सेक्शन क्लास वन और क्लास टू इसको अच्छे से आपको करना है अगर ये टॉपिक पे ये दोनों चीजें कंप्लीट आपने किया है अच्छे से और प्रैक्टिस किया है तो पूरी की पूरी रेशियो टॉपिक में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सबसे पहले रेशियोट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने ये दो क्लास कराया हूं इन दोनों क्लास को आपको फिनिश करना है तभी आप इसको इस क्लास पे मूव करिएगा चलिए अब आते हैं सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बेसिक में बता चुका था सबसे पहले आते हैं रेशियो रेशियो हमेशा क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं रिविजन करा देता हूं पांच मिनट के अंदर रेशियो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है जैसे अगर कहीं पे भी रेशियो इस तरह से दिया रहे टेन इज टू फिफ्टीन तो इसका मतलब क्या है इसको सिंपल जिससे जिस, जिस नंबर से कट रहा है उसको काट लो यानी फाइव टू जा फाइव थ्री जा दूसरी बात रेशियो को हम दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं रेशियो को किस किस दो फॉर्मेट में अगर ए इज बी लिखा हुआ है एक लिनियर फॉर्म हो गया और दूसरा एक फ्रैक्शन फॉर्म में ए बाई बी दोनों का मतलब क्या है सेम है लिखने का वे अलग अलग है ये आप जानते हो थर्ड आपको रेशियो रेशियो कभी भी दो क्वांटिटी का हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं या टू परसेंट में कंपेयर टू और मोर परसेंट में कंपेयर दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि रेशियो जो होता है वो क्या होता है जब भी फाइनल रेशियो निकालेंगे वो यूनिट लेस होगा यूनिट लेस होगा और जब भी दो क्वांटिटी का हम रेशियो निकालेंगे या कुछ भी चीज का सेम यूनिट में होना चाहिए जैसे मैंने बोल दिया ट्वेंटी के और मैंने बोल दिया फिफ्टी ग्राम तो मैं आपका इसका रेशियो निकाल तो ऐसे नहीं कर दोगे कि 20 50 रेशियो निकाल दोगे 2 5 गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का दोनों का सेम सेम यूनिट यूनिट नहीं है तो सेम यूनिट बनाने के लिए आप जानते हो वन के जी टू कितना होता है वन थाउजेंड ग्राम तो पहले इसको ग्राम में चेंज कर लो या इसको के जी में कर लो इसको मैं ग्राम में चेंज कर लाऊ ट्वेंटी इंटू वन थाउजेंट अब ग्राम में आ गया ये ग्राम हो गया और यहां पे ग्राम है पचास तो ग्राम अब रेशियो ले सकते हो यानी रेशियो जब भी कंपेयर करेंगे रेशियो का कंपेयर हम करेंगे तो यूनिट क्या रखना पड़ेगा यूनिट जो रखना पड़ेगा वो सेम रखना पड़ेगा इतनी बेसिक चीजें मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं बेसिक क्लासेस में मैं रिवीजन करा देता हूं तो देखो ध्यान से 50 से कितनी टाइम्स में दो टाइम्स में 100 यानी 20 यानी 400 हंड्रेड इज वन रेशियो आ गया हमारा तो ये चीजें आपको मैंने ऑलरेडी समझा चुका था दूसरी बात अब आते हैं थोड़ा सा और मैं बताने जा रहा हूं मैंने ये बताया था कि अगर ए इी अगर इस तरह से दिया रहे थ्री फोर बी सिखाया हूं कैसे सिखाया हूं पहले आप क्या करोगे लिखोगे इस तरह से अब देखो तीन चार मेथड मैंने बेसिक क्लास में सिखाया था मैं एक कोई एक पकड़ के सिखाने जा रहा हूं जैसे देखो हम ऐसे लिखेंगे थ्री इज टू फोर ए इी लिखेंगे और फिर बी इू सी लिखेंगे बी इू सी कितना है फाइव सिक्स हम निकालना कैसे निकालते थे डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई पंद्रह ए आ गया क्रॉस में कर लोगे इन दोनों का तो बीस यानी बी आ गया और इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई चौबीस यानी सी आ गया तो एस टू बी टू सी का रेशियो आ जाएगा दूसरा मैंने सिखाया था यहां पे क्या कि गो थ्रू ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन अगर ए इज बी टू सी का रेशियो रहेगा तो ऑप्शन में ए और बी का रेशियो यही होगा जो स्टार्टिंग में होगा जैसे देखो इन दोनों को कैंसिल करोगे थ्री फाइव जा सॉरी फाइव थ्री जाोर जा तो रेशियो ए और बी का थ्री टू तो तो फोर आया बी और सी का रेशियो निकाल लोगे किससे कैंसिल करोगे चार से तो फोर फाइव जा फोर सिक्स जा देखो बी और सी का रेशियो यानी ऑप्शन में भी यही रेशियो रहना चाहिए मेंटेन ये चीजें मैंने आपको सिखा चुका हूं दूसरी बात देखो आज और चीजें एक चीज देखो एक ही क्वेश्चन करा के मैं आपको सारा कुछ दिखा दे रहा हूं एस टू बी अगर थ्री इज टू फोर रहे बीस टू सी आपके पास अगर फाइव सिक्स रहे तो दो तीन मेथड आज बताने जा रहा हूं वो चीजें आपको यूज आएंगी जैसे मेथड वन मेथड वन में क्या है वही जो मैंने अभी अप्लाई किया हमने क्या किया कि एज टू बी होना चाहिए थ्री इज टू फी और एस टू बी है तो फिर बी इज टू सी होना चाहिए बी एस टू सी क्वेश्चन में दिया गया फाइव इंस टू सिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई इन दोनों का पंद्रह तो ए आ गया बी निकालना है इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना पांचों के बीस और सी निकालना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई चौबीस तो सी आ गया एक और मेथड बता देता हूं मेथड टू मेथड टू में क्या है जैसे देखो लिखना है ऐसे थ्री इज टू फोर और क्या लिखोगे एक छोड़ करके फाइव इजू सिक्स अब देखो ध्यान से समझना बात को मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जैसे देखो कैसे करोगे चार के बाद खाली स्थान है आगे तो जो चार है वही रिपीट होगा देखो ध्यान से पांच के बाद खाली स्थान है इधर बैक साइड तो पांच रिपीट होगा जो रहेगा वो रिपीट होगा अब डायरेक्टली इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो पंद्रह इन दोनों का मल्टीपाई पांच इंटू चार बीस और छह इंटू चार चौबीस देखो आ गया हमारा ये आ गया अब जैसे देखो मैं आपको और प्रैक्टिस करा देता हूं जैसे देखो हमारे पास ये आ जाए एस टू बी टू इज थ्री बी इज टू सी फोर इज फाइव सी इज टू डी अगर हमारे पास रहे सी टू डी क्या मैं ले लू सिक्स राइट तो हमें निकालना है ए इज बीज टू सी टू डी क्या होगा आप जानते हो निकालना मैंने सिखाया हूं पहला मेथड फिर दूसरा मेथड दो मेथड मैं बताऊंगा मेथड वन मेथड वन में क्या करते हैं पहले लिखो एज टू बी टू इज टू थ्री लिख दो बी टू सी फोर इज टू फाइव लेकिन ए इज टू बी के बाद बी टू सी होना चाहिए बी टू सी के बाद सी टू डी होना चाहिए सी टू डी सिक्स इज टू सेवन अब देखो ध्यान से अब क्या करेंगे हमें निकालना क्या है ए इज टू बी टू सी टू डी रुक जाओ ये क्या हो गया एक मिनट पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूं देखिएगा हमें निकालना है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी राइट तो a निकालने के लिए सीधा मल्टीप्लाई यानी चार देखो दुनिया आठ आठ छ के अड़तालीस बी निकालना है देखो ध्यान से है तो सीधा मल्टीप्लाई को भूल जाओ इसको, अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दो यानी चारियां बारह बारह छ के बहत्तर आ गया इस, टू। अब फिर इस वाले को भूल जाओ अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई इन तीनों का मल्टीप्लाई पांतिया पंद्रह पंद्रह छ के नब्बे आ गया अब जो ये अगर किसी से कट रहा है तो काट लो नहीं तो ऐसे ही रहने दो तीन से कट रहा है तीन से सोलह तीन से चौबीस तीन से तीस नब्बे और तीन से पैंतीस मैंने समझा चुका था आज आपको एक नया मेथड बताने जा रहा हूं जो हमने यहां पे अप्लाई किया है यूनिवर्सल मेथड जिसको हम कहते हैं जैसे देखो एस टू बी दिया गया हमारे पास यही दिया गया क्वेश्चन इसी को देखो लिखेंगे कैसे

पांच है तो पांच रिपीट करोगे जैसे देखो इधर बैक साइड खाली है तो रिपीट करते जाओगे अब जो ऐसे ही रिपीट हो गया मल्टीप्लाई सीधा सीधा मल्टीप्लाई ऐसे चार दूनिया आठ छके अड़तालीस चार तिया बारह छके बहत्तर पानतिया पंद्रह पंद्रह छके नब्बे और पानतियां पंद्रह पंद्रह साते एक सौ पांच आया तीन से काटोगे तो वहीं आ जाएगा चौबीस सॉरी

ये चीजें मैंने ऑलरेडी सारी चीजें मैंने सिखा चुका था आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो तीन चार मेथड मैंने बेसिक क्लास में सिखाया हूं एक एक्स्ट्रा मेथड मैंने ये बता दिया किसी भी के थ्रू जाओगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे लेकिन आपको हर एक तरह से मैं आपको एबल बनाना चाहता हूं इसलिए मैंने आपको बताया हूं फिर हमने ऐसा कुछ किया था ऐसा क्या किया था इस तरह से कि अगर आपके पास टू ए इजल टू थ्री बी रहे और हमसे पूछे ए टू बी क्या होगा तो इंटरचेंज डायरेक्टली कर लोगे एस टू बी कहे ऐसे क्या होगा तो क्या करोगे ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू ये यानी थ्री इज टू टू लिख दोगे डायरेक्टली ठीक है या ऐसे लिखना हो ए बाई बी तो क्या लिख दोगे थ्री बाई टू ऐसे लिख दोगे जैसे देखो फाइव ए इजल टू सेवन बी है तो मेरे को लिखना है ए इज टू बी एस टू बी लिखना है तो क्या लिखोगे ए सेवन बी और फाइव इसी चीज को ए बाई बी इस फॉर्म में भी लिख सकते हो सेवन बाई फाइव लिनियर लीनियर फॉर्म और ये है आपसे पूछा जाए ए इज टू बी इज टू सी अब क्या होगा तो मैंने आपको बताया था पहला अप्रोच दो तीन और चार का एलसीएम लो कितना होगा चार या बारह तो 12 आया 12 को दो से डिवाइड करोगे तो सिक्स आ जाएगा 12 को तीन से डिवाइड करोगे फोर आ जाएगा चार बारह को चार से डिवाइड करोगे थ्री आ जाएगा यानी रेशियो ए और बी और सी का रेशियो इतना आ गया फिर मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था क्या बताया था कि ए बाई थ्री इज इक्वल ए बाई थ्री इज इक्वल टू बी बाई फोर इज इक्वल टू सी बाई फाइव रहे और आपसे पूछे ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा यही हो जाएगा थ्री इज टू फोर इज टू फाइव ये डायरेक्ट रिलेशन आपको पता होना चाहिए जैसे देखो मैंने बोल दिया ए बाई सिक्स इज टू इक्वल टू बी बाई सेवन इज इक्वल टू सी बाई सी बाई नाइन और मैं पूछूं आपसे ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो तो डायरेक्टली यही हो जाएगा सिक्स इज टू सेवन इज टू नाइन ये आप जानते हो नहीं जानते हो ऑलरेडी मैंने बताया हूं फिर भी यहाँ पे भी आपको रिपीट कर दे रहा हूं दूसरी बात और चीज मैं बता दूं जैसे देखो कभी भी ऐसे रहे टू बाई थ्री फोर बाईव सेवन बाई एट और आपसे पूछे यहां पर एस टू बीज टू सी का रेशियो क्या होगा तो आपको मैंने वही चीजें सिखाया हूं कैसे करोगे डिनोमिनेटर का हम लेते हैं एलसीएम किसका डिनोमिनेटर का एलसीएम आट देखो, आठ और तीन में कुछ भी कॉमन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो LCM क्या होता है मल्टीप्लाई पांच एक सौ बीस तो हर एक में एक सौ बीस मल्टीप्लाई कर लो हर एक में ऊपर एक सौ बीस मल्टीप्लाई करो तीस से पांच से ये बीस चौबीस पांचे होता है एक सौ बीस चौबीस चौकी अब टेबल की नॉलेज फास्ट होनी चाहिए पंद्रह एक सौ बीस पंद्रह सात एक सौ पांच हमने लो ये फटाक देना हमने कर लिया इस तरह से आपको ये चीजें सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताया था तो ऑलरेडी हमने रिपीट कर दिया कि किस तरह से हमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ा था और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में एग्जाम के आए हुए जितने भी मैं ले रहा हूं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी लेटेस्ट जैसे देखो एज टू बी फोर इज टू फाइव बी इज टू सी टू इज टू थ्री हमें एज टू बी ईस टू सी बताना है पहला मेथड मेथड वन मेथड वन में क्या करोगे देखो ध्यान से फोर एस टू बी क्या है देखो तीन चार मेथड से पहला क्वेश्चन करा देता हूं है आगे देखो आगे है कितना है टू इंस टू थ्री पहला मेथड देखो ये मैंने सिखाया था बेसिक क्लास में बी यहां पे पांच है बी यहां पे दो है तो बी को सेम होना चाहिए या, यहां पे सेम होना चाहिए बी पांच है यहां पे और यहां पे दो है सेम बनाने के लिए दो से यहां पे मल्टीप्लाई पांच से यहां मल्टीप्लाई तो आ जाएगा हमारा ए बी सी का रेशियो कैसे बी यहां से पांच इंटू टू दस चाहे यहां से लो दस ही होगा सी फाइव इंटू थ्री यानी फिफ्टीन हमारा ये आ गया पहला मेथड पहला मेथड आ गया दूसरा मेथड मैंने आपको क्या सिखाया हूं मेथड टू मेथड टू में क्या सिखाया हूं एस टू बी एज टू बी फोर इज टू फाइव तो उसके बाद जस्ट बी इू सी होना चाहिए मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली चार इंटू टू आठ इसका मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में दस और इसका मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट पंद्रह ये आ गया दूसरा मेथड तीसरा मेथड आज मैंने आपको जो सिखाया वो कैसे सिखाया ए इज टू बी है फोर इज टू फाइव बी इज टू सी एक छोड़ के लिखोगे टू इज टू थ्री और आपसे निकालना है तो ऐसे निकालोगे जैसे देखो पांच के बाद इधर खाली है तो पांच लिखो दो से पहले इधर खाली है दो रिपीट होगा दो लिखो दो अब डायरेक्टली सीधा सीधा मल्टीप्लाई सभी का चार इंटू टू आठ पांच इंटू टू दस पांच इंटू थ्री पंद्रह देखो तीनों से सेम रिजल्ट आया और एक मैंने लास्ट मेथड बताया था कि ऑप्शन अप्रोच ऑप्शन कैसे देखोगे ऑप्शन में जो देखो रेशियो किसका है ए बी सी का ही रेशियो है तो वो ऑप्शन में होना चाहिए एज टू बी फोर इंस टू फाइव होना चाहिए देखो ध्यान से ये दोनों फोर इंस टू फाइव है नहीं पांच से पांच दोनों दस पांच दिया पंद्रह टू इंस टू थ्री है जबकि एज टू बी क्या होना चाहिए फोर इंस टू फाइव देखो एज टू बी फोर इंस टू फाइव है हाँ टू से फोर टू से फाइव फोर इंस टू फाइव है नहीं ये फोर इंस टू फाइव है नहीं पानतिया पंद्रह पान दुनी दस थ्री इंस टू टू है तो ऑलरेडी हमारा आंसर आ गया आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी वैसे ही बी इू सी चेक करते देखो ध्यान से बी इू सी चेक करोगे देखो ऑप्शन ए में तो वो भी मैच करेगा कैसे मैच करेगा देखो ध्यान से लेकिन हम आंसर तक पहुंच चुके हैं पांच से पान दुनी दस पांच तिया पंद्रह बीस टू सी इतना है तो ये हमेशा चेक करना जरूरी था क्या मैं हर चीज इतना बताऊंगा नहीं मैंने हर एक मेथड बता दिया कोई भी यूज कर लूंगा आप भी कोई भी यूज कर सकते हो एज यू कंफर्टेबल जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया एस टू बी टू इज टू फाइव सी इज टू बी इतना हमें बताना ए इज टू बीज टू सी ध्यान देना बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं ए इज टू बी टू इज टू फाइव है उसके बाद हमें बीस टू सी चाहिए एस टू बी के बाद बीस टू सी चाहिए लेकिन यहां पे सी टू बी दिया गया है देखो एग्जाम का क्वेश्चन है बहुत सारे लोग गलतियां कहां पे करते हैं ऐसे देखो कि सर ने बताया है टू इंस टू फाइव फिर बताया है लिख दो थ्री फोर, और मल्टीप्लाई कर दो थ्री इंटू टू सिक्स ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो पंद्रह और ऐसे मल्टीप्लाई कर दो बीस और एंसर चेक कर लो कौन सा है सिक्स पंद्रह बीस सिक्स पंद्रह बीस मार दो राइट आंसर लेकिन हो जाएगा आपका गलत क्यों क्योंकि मैंने कई बार समझाया हूं आपको कई बार समझाया हूं कि फोकस करना देखो ध्यान से एज टू बी है टू इज टू फाइव तो उसके बाद बी इज टू सी चाहिए एस टू बी है टू इज टू फाइव तो उसके बाद देखो जैसे एस टू बी है उसके बाद हमें यहां पे बी इज टू सी चाहिए लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है सी इज टू बी मैं क्यों मैं चाहता था इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करा सकता था लेकिन मैंने आपको यह बता रहा हूं कि हमेशा सोचना है कभी-कभी सीली मिस्टेक आप कर देते हो तो C is to B, अगर C is to B दिया गया है थ्री इज टू फोर तो बी टू सी उल्टा हो जाएगा फोर इज टू थ्री अब लिखोगे अब अप्लाई करोगे चार इंटू टू आठ पांच इंटू फोर यानी ट्वेंटी और फाइव इंटू थ्री यानी फिफ्टीन तो ए एट बीस पंद्रह ये गलत हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ठीक है देखो सीजीएल में पूछा गया था दूसरा मेथड चलो इसको भी दो तीन मेथड से बता देता हूं मेथड टू मेथड टू जो है वो कैसे करोगे ए इज टू बी दिया गया देखो ए इज टू बी का रेशियो कितना है हमारे पास टू इज फाइव इससे तो गड़बड़ होता ही नहीं है कभी भी हमें क्या दिया गया सी इज टू बी सी इज टू बी का रेशियो कितना है थ्री इज टू फोर फोकस करो क्या कॉमन है बी यहां पे है और बी यहां पे कॉमन होना चाहिए बी पांच है चार है तो यहां पे चार से मल्टीप्लाई यहां पे पांच से मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाएगा एज टू बीज टू सी देखो ए चार इंटू टू आठ बी कहां से आएगा बी पांच इंटू चार यानी बीस और सी कहां से आएगा सी ये देखो ये वाला प्रोर्शन है पांच इंटू थ्री यानी फिफ्टीन देखो आ गया हमारा तीसरा मेथड मेथड थ्री मेथड थ्री में क्या करते हैं देखो ध्यान से जो मैंने आपको बताया हूं एस टू बी देखो ध्यान से बीस टू सी नहीं दिया गया सी टू बी दिया गया तो बीस टू सी फोर इज टू थ्री एक छोड़ के लिखोगे फोर इज टू थ्री अब क्या करोगे जो खाली है स्थान है उसको कैसे भरोगे पांच है तो यहाँ पे पांच भर दोगे चार है यहाँ पे तो चार भर दोगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे चार दो आठ पांचों के बीस पांच तिया पंद्रह आठ बीस पंद्रह आ गया एंड फोर्थ मेथड मेथड फोर मेथड फोर में हमने क्या सीखा है गो थ्रू ऑप्शन देखो कैसे करोगे पंद्रह सभी है इज टू बी अब आते हैं दिया गया हमारे पास हमें बी इज टू इज टू सी चाहिए तो इज टू सी चाहिए तो इज टू सी कितना होगा यहां से फोर इज टू थ्री होगा तो फोर इज टू थ्री चेक करो इज टू सी से पांच से पांच पानती पंद्रह पांचों के, के पांच 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 बीस चार तीन चाहिए इन दोनों में भी नहीं है एक ही में है देखो ऑप्शन तो क्या मैं हर बार इतना मेथड बताऊंगा नहीं अब समझ में आ गया अब दोनों क्वेश्चन को देखो मैं एग्जाम में कैसे हम लोग करते एग्जाम की बात बताने जा रहा हूं ये सारी चीजें निकालने आनी चाहिए लेकिन एग्जाम में हम कैसे करेंगे वो भी चीज देखो एग्जाम में क्या करते इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना होता फोर फाइव दो से चार पाँच पान टू थ्री नहीं हो सकता खत्म कर लो ये टू थ्री नहीं है ये टू ये कितना है पान तीन पंद्रह पाँच दो नहीं दस आना चाहिए चार पाँच नहीं है तीनों ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो गया आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करते एग्जाम में कैसे करते ध्यान से देखो सेकेंड क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करते ए और बी का रेशियो टू पांच दो पांच यहां पे है दो पांच यहां पे चार दो आठ चार पांच बीस तीन दो छीन छह पंद्रह सभी में है बी टू सी उल्टा हो जाएगा फोर इज टू थ्री क्योंकि हमें एस टू बी टू सी दिया गया है एंसर में तो देखो ध्यान से फोर इजू थ्री पांच से तीन पांच से चार तीन चार का रेशियो है गलत हो गया पांच चार का रेशियो है, गलत है चार का रेशियो गलत है ऑप्शन बी तीन ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गए तो ऑप्शन बी ही सही होगा बिना चेक किए वैसे फिर भी चेक करोगे तो पांच से चार पाँच से तीन फोर इस टू का रेशियो, तो में में ऐसे करते अगर फिर भी आपको ऑप्शन नहीं जाना है तो कैसे करते देखो ऐसे लिखते टू इज फाइव एस टू बी उसके बाद बीस टू सी लिखोगे यानी फोर इज थ्री लिख देते मल्टीप्लाई कर दो चार दुनी आठ पांच और पांचिया पंद्रह डायरेक्टली ऐसे सीधा सीधा इस दोनों का मल्टीप्लाई और इस तरह से तो आठ बीस पंद्रह आपका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी आई होप समझ में आ गया होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में तो सेम दे दिया था फिर मैंने आपको यहां पे दिया झटका और आपके एग्जाम का क्वेश्चन था तो इतना समझ में आ गया कभी भी सीली मिस्टेक आपसे नहीं होगी आज के बाद चलिए अब देखो ध्यान से दिया गया मैं एच टू बी बीज टू सी सी टू डी हमें एच टू बी टू सी ए बी सी डी का रेशियो चाहिए अब देखो गो थ्रू ऑप्शन जाए पहला मेथड टू थ्री टू थ्री का रेशियो है टू थ्री का रेशियो है ये टू थ्री का रेशियो नहीं है ये टू थ्री का नहीं है क्यों क्योंकि से से काट, काट तिरसठ होता है ना नौ सात तिरसठ नौ छ के चौवन रेशियो ना तो ये है ना ही ये है दो ऑप्शन रह गए अब देखो ध्यान से दूसरे में ही दिक्कत आ रही है तो दूसरा चेक कर लो फाइव इज नाइन होना चाहिए बीस टू सी पांच छे से छे पांच तीस छ होता है छ नवा चौवन तिरसठ है नहीं है पांच नौ का रेशियो यही है ना छीस छ नवा चौवन देखो पांच नौ का रेशियो है हमारा आंसर आ गया हम आंसर तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी अब आते हैं एग्जाम में हम ये करते हैं लेकिन फिर भी अगर बेसिक क्योंकि जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा तब तो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था देखो तो कैसे लिखोगे ए और बी का रेशियो टू इज टू थ्री बी और सी है ना तो इस टू और सी पे तो डी आना चाहिए, डी दिया गया, अब मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था एस टू बी टू सी डी निकालना डायरेक्ट मल्टीप्लाई पांच दुनी दस दस छके का निकालना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई देखो ध्यान से डायरेक्ट मल्टीप्लाई तीन इंटू नाइन इंटू सातलीस इक्कीस तक, तो तक आनी चाहिए मल्टीप्लाई कर लो तो पांतिया पंद्रह पंद्रह छ पंद्र के नब्बे ये हो गया अब फिर इसको काटोगे और कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो बताया हूं इस तरह से तो देखो ध्यान से नाइन इंटू सॉरी थ्री इंटू नाइन इंटू सिक्स मल्टीप्लाई करना छेतली अठारह अठारह अट्ठारह एक सौ बासठ अब ये जिससे कैंसिल हो रहा है तीन से हो रहा है तो तीन से काट लो तीन से सभी कैंसिल हो रहे हैं तो तीन से काट लो बीस तीस तिया नब्बे तीस तीन से काटोगे तो तीन पांच पंद्रह तीन चौके बावर और कितना हो गया तीन छ के तितली no. के नौ यानी जो आपका एंसर आ जाएगा देखो कौन सा एंसर आ गया ये थर्ड मेथर्ड अब जिसमें देखो अब किसी में भी मैं यूज कर लूंगा इस बार लास्ट बताने जा रहा हूं थर्ड मेथड देखो टू इज टू थ्री एक छोड़ के लिखोगे फाइव इज टू नाइन अब सी टू डी दिया गया सिक्स इज टू सेवन मैंने बताया था खाली स्थान कैसे भरोगे खाली स्थान देखो यहां पे तीन रिपीट होगा आगे यहां पे तीन है बाकी खाली है तो तीन तीन लिखोगे देखो ध्यान से यहाँ पे आगे लिखोगे क्या नाइन रिपीट होगा पीछे क्या पांच है तो पांच रिपीट होगा इधर छ है तो छ रिपीट होता चला जाएगा अब मल्टीप्लाई सीधा सीधा पान दुनी दस छ के साठ मल्टीप्लाई कर लो पानिया पंद्रह छ के नब्बे मल्टीप्लाई कर लो तीन इंटू छ अठारह अठारह नावा एक सौ बासठ सीधा सीधा मल्टीप्लाई सतली के इक्कीस इक्कीस एक सौ नवासी अब तीन से काटोगे तीन से काटोगे तो यही आ रहा था कौन सा आ रहा था बीस तीस फिफ्टी फोर एंड सिक्सटी थ्री आपका एंसर आ जाता लेकिन एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली गो थ्रू ऑप्शन अप्रोच जाते ये बताना जरूरी था क्योंकि कई बार हम लोग इसका यूज करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन में तो इसलिए ये जाना जरूरी था चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है एस टू बी देखो ध्यान से ए बी सी का रेशियो दिया गया है क्या दिया गया है फोर सेवन नाइन आगे देखो ध्यान से क्या दिया गया है बीस टू सी टू डी का रेशियो डरना नहीं है देख के क्वेश्चन की एमटीएस में पूछा गया है अट्ठाईस छत्तीस और इक्कीस कॉमन सेंस लगाओ कॉमन सेंस क्या है देखो क्या क्या है बी यहां है सी यहां है बी यहां है सी यहां है तो बी और सी को इक्वल बनाओगे यहां पे देखो सात है और ये अट्ठाईस है नौ है ये छत्तीस है चार गुना ही तो है इसका चार गुना ये है इसका चार गुना ये है, तो यहाँ पे चार से मल्टीप्लाई इक्वल बना दो और यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा एस टू टू सी डी जो भी निकाल रहे कितना है चार इंटू चार सोलह बी यहाँ से सात चौ अटाइस सी क्या है सी यहाँ से नौ चौके छत्तीस और डी यहां से आ जाएगा इक्कीस इंटू वन इक्कीस यानी सोलह अट्ठाइस छत्तीस इक्कीस सोलह अट्ठाइस छत्तीस इक्कीस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और ये मेथड मैंने बताया था बेसिक में भी आज भी बताया हूं तो आप आसानी से कर लोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में करने के लिए दूसरी बात देखो ध्यान से दूसरी बात क्या कर सकते थे देखो ध्यान से ए और बी का रेशियो यहां पे भी बी है ना तो इसमें लेंथी हो जाता उस तरह से गो थ्रू ऑप्शन जाते हैं ना तो लेंथी हो जाएगा वैसे भी यहां पे चेक कर सकते देखो 4 7 यहां भी है ये चार सात यहां भी था चार सात यहां भी था तीन जो के बारह तीन सात इक्कीस तो लेंदी हो जाता क्योंकि हमें यह इस तरह से दिया गया था बी सी डी के फॉर्म में तो बेटर है हम ये कर लें अप्लाई आसानी से हमारा कौन सा आंसर जो भी आ रहा है ऑप्शन आंसर आ जाएगा चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में आ जाओ अब देखो नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया गया इज टू बी इज टू सी सी टू डी डी टू अब देखो पांच नंबर दे दिया गया मैंने तो आपके माइंड में सर इतना बड़ा तो सिखाए नहीं थे कैसे करोगे हमें निकालना है एस टू बी इज टू सी डी ए और बी का रेशियो देखो टू टू थ्री होना चाहिए सोलह चार बारह ये नहीं हो सकता ये भी है कोई दिक्कत नहीं है अब आ जाओ दूसरे में है पैंतालीस दूसरा बीस टू सी टू सी फोर इज थ्री क्या ये है चार रुको छे से चार छ से तीन ये है ये है आठ से आठ दुनी अतली के चौबीस नहीं आठ से नहीं किससे कटेगा चार से छ से छा के छत्तीस रेशियो ये तो टूट बारह से भी कैंसिल हो जाता तो बारह दुनी चौबीस बारह छत्तीस ये भी नहीं हो सकता चौबीस ये देखो चौबीस और छत्तीस बारह से बारह दुनी चौबीस बारह छत्तीस ये भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि बी और सी क्या होना चाहिए फोर इज टू थ्री ऑप्शन आ गया तो गो थ्रू ऑप्शन हम जाएंगे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर बेसिक से ही बताओ तो वो भी मैंने आपको सिखाया था ना बेसिक से करना कैसे देखो ध्यान से बेसिक से करना ये सिखाया था एज टू बी लिखो टू इज टू थ्री उसके बाद एक छोड़कर लिखो बी इज टू सी फोर इज टू थ्री फिर C इज टू डी होना चाहिए एक छोड़ करके टू इज टू फाइव फिर D इज टू ई एक छोड़ करके लिखोगे थ्री इज टू फोर अब फिल करना आप जानते हो फिल फिलिंग करना सिखा चुका हूं भरना एक मिनट हाँ देखो कैसे भरोगे इधर खाली है तीन रिपीट होगा थ्री 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 यहां पे देखो थ्री है आगे जाके रिपीट होगा थ्री थ्री पीछे चार है चार रिपीट होगा यहां पे पीछे दो है तो दो रिपीट होता जाएगा पांच है तो पांच रिपीट होगा तीन है तीन रिपीट होता जाएगा बैक साइड अब क्या करोगे सीधा मल्टीप्लाई चार दुनी आठ दूनी सोलह सोलह तिया अड़तालीस ये रहा इन सभी का मल्टीप्लाई चार तिया बारह दूनी चौबीस चौबीस तिया बहत्तर इन सभी का मल्टीप्लाई तितली के नौ नौ दुनिया अठारह अठारहतियां चौवन इन सभी का मल्टीप्लाई तितली के नौ नौ पांचे पैंतालीस पैंतालीस तिया पैंतालीस इंटू थ्री मल्टीप्लाई कर लोगे ना एक सौ बीस प्लस पंद्रह मल्टीप्लाई करना सिखा चुका हूं पांचिया पंद्रह चारियां बारह तेरह एक, एक सौ पैंतीस इन सभी का मल्टीप्लाई तो से तितली के नौ नौ पांच पैंतालीस पैंतालीस इंटू फोर आपको बता चुका हूं पैंतालीस इंटू फोर कितना होता है वन एट्टी मैंने बोला था ना बार बार यूज आएगा इसका तो वन एट्टी अब देखो ध्यान से ये किससे कैंसिल हो जाएगा जिस भी नंबर से कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लोगे यानी किससे कैंसिल होगा तीन से सोलह तिया अड़तालीस चौबीस तिया बहत्तर तीन से तीन से अगर करूंगा तो थ्री वन थ्री अठारह तिया चौवन तीन से पै तीन से तीन चौके बारह तीन पांच ए पंद्रह और तीन से करोगे तो साठ आ गया सोलह चौबीस अठारह पैंतालीस साठ ऑप्शन नंबर ए देखो सोलह चौबीस अठारह पैंतालीस साठ क्या हम ये करेंगे नहीं करेंगे हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे और यह भी आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से एस टू बी दिया गया है बी इू सी दिया गया सी डी टू सी दिया गया है कितना टू बाई नाइन इज टू वन बाई थ्री देखो ध्यान से टू बाई नाइन इज टू वन बाई थ्री तो देखो ध्यान समझना बात को जहां नीचे कैंसिल हो रहा है थ्री से थ्री कैंसिल हो गया अब बचा क्या टू बाई थ्री इज टू वन तो क्रॉस में चला जाता है ये ऐसे तो टू इज टू थ्री आ गया क्या हम इतना स्टेप्स लिखेंगे नहीं देखो ध्यान से नहीं लिखेंगे देखो ध्यान से यहीं पे देखो मैं कराने जा रहा हूं। थ्री से थ्री हो गया। गया? गया। ऊपर जाएगा तो तो कितना आ गया? Two is to three आ आगे आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। तो में चेक कर लो टू इज थ्री होना चाहिए दो से काटोगे तो टू इज टू थ्री है दो से काटोगे तो आठ दुनी सोलह अतली के चौबीस टू इंस टू, टू थ्री है चार दुनी आठ चारियां बारह टू इज थ्री है पांच से हम्म पांच से छह पांच से सात ये टू इज थ्री नहीं है खत्म हो गया गो थ्रू ऑप्शन हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई पांच बी सी कितना हो गया four is to five. देखो ध्यान से टू बाई सेवन फाइव बाई फोरटीन है नीचे कैंसिल हो रहा है काट दो तो, अब क्रॉस में चला जाता है फोर इंस टू फाइव बीस टू सी फोर इंस टू फाइव पाना चाहिए देखो बीस टू सी फोर इंस टू फाइव है क्या नहीं है खत्म हो गया यहां पे चेक कर लो बीस टू सी फोर इंस टू फाइव है चार से फोर टू चार से ती, चार से बोल रहा हूं तीन से तीन चौके बारह तीन पांचे पंद्रह है क्या ये बीस टू सी फोर इंस टू फाइव है नहीं है कि नहीं है देखो ध्यान से चार से नहीं छे चौके के चौबीस छ पांचे तीस हाँ ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास दो ऑप्शन ऑलरेडी इलिमिनेट हो गए हैं। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या दिया गया नेक्स्ट देखो ध्यान से दिया गया है का रेशियो कितना हो गया? लेकिन हमें यहां पर तो सी टू डी चाहिए यानी सी टू डी कितना होगा सिक्स इज टू सेवन होगा सिक्स इज टू सेवन कौन सा आंसर होगा देखो ध्यान से अब सी और डी का रेशियो सिक्स इज सेवन पांच से पांच छके पांच साते यही आंसर आ गया ये नहीं हो सकता क्यों क्योंकि पंद्रह सात दिया गया है तो ये गलत हो गया गो थ्रू ऑप्शन आसानी से हमने कर लिया दूसरी बात क्या हम इतना एग्जाम में करते नहीं देखो एग्जाम में हम इस तरह से करते हैं एग्जाम में फोकस करो देखो एग्जाम में ऑप्शन अप्रोच करेंगे देखो एग्जाम में ऑप्शन अप्रोच तो करेंगे लेकिन उसमें भी हम शॉर्ट करेंगे उसमें भी हम क्या करेंगे शॉर्ट सबसे पहले फोकस करो देखो ध्यान से सेवन इज टू नाइन है यहां पे अगर मैं बात करूं तो सिक्स छत्तीस टू सतन है ये पंद्रह इज टू सेवन है और ये आठ से चौबीस आठ दो सोलह देखो जो सी डी है सी और डी का रेशियो जो है वो अलग अलग है सभी में तो हम पूरा चेक नहीं करेंगे सी और D का रेशियो सिर्फ चेक करेंगे जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन में डी टू सी का रेशियो सेवन बाई टेन इज क्या दिया गया थ्री बाई फाइव देखो यहां पे पकड़ो अब देखो ध्यान से पांच से दो दो क्रॉस में चला गया तो सेवन इंसू सिक्स क्या है डी टू सी तो सी डी का रेशियो क्या होगा 7, सिर्फ चेक करो इसमें नहीं है लास्ट में सी टू डी का सिक्स इंसू सेवन इसी में है इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है देखो तो हमें क्या पूरा चेक करने की जरूरत पड़ी सिर्फ एक स्टेप्स करके हम आसानी से आंसर तक पहुंच गए बेसिक से करना होता तब क्या करते वो तो फिर वही अप्रोच आप करते रह जाते टाइम तो लगाते पूरा का पूरा जैसे देखो एच टू बी थ्री करते तो टू इंस टू थ्री एस टू बी टू इंस टू थ्री आ गया बीटू सी सात से दो दो, दो दुनी, चार इंस टू पांच तो चार इंस टू पांच ऐसे लिखते एक छोड़ के लिखवा दू वो अलग कर देता हूं चार इंस टू पांच सी और डी देखो पांच से दो सात इंटू छ सात इंटू छी टू सी है तो सी टू डी हमें चाहिए सिक्स इज टू सेवन उल्टा होगा सिक्स इज टू सेवन अब वही फिलिंग वाला मेथड मैं सिखा रहा हूँ तीन है तो तीन आगे बढ़ोगे पांच है तो पांच फिल करोगे चार है इधर तो चार फील करोगे सिक्स बैक जाओगे तो जो रिपीट हो रहा है वही फिल कर दो देखो अब मल्टीप्लाई कर दो इसका चार दुनिया आठ आठ छके के अड़तालीस हो गया इसको मल्टीप्लाई करोगे चार दिया बारह बारह छ बहत्तर हो गया इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पांच पंद्रह पंद्रह छ नब्बे हो गया इसको मल्टीप्लाई कर लो पांच दिया पंद्रह पंद्रह सात एक सौ पांच अब ये किससे कैंसिल होगा देखो ध्यान से टेबल ऐसा पढ़ो जो जिससे कैंसिल हो जाए आसानी से तो तीन से हो रहा है देखो ध्यान से तीन से तीन से सभी कट रहे हैं तो सोलह चौबीस तिया बहत्तर तीस तिया नब्बे पैंतीस एक सौ पांच आपका आंसर आ गया लेकिन हम गो थ्रू एप्सन अप्रोच फॉलो करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए चलिए मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से बीस टू सी दिया गया है सी टू डी दिया गया है और हमें पूछा गया एस टू डी पूछा गया है देखो स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को समझना बात को हमें क्या फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा गया है जब भी ऐसा कहा जाए फर्स्ट और लास्ट का रेशियो ऐसे पूछा जाए ए बाई डी पूछा गया है तो हम कैसे जाएंगे ए से बी चले जाएंगे बी से सी चले जाएंगे सी से डी चले जाएंगे तो देखो ध्यान से बी से बी कैंसिल हो जाएगा हाँ जी सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ ऊपर, A ए A ऊपर बचेगा और डी नीचे यानी ए बाई डी आ जाएगा यानी जी एक से एंड स्टार्टिंग से एंड पूछे तो आप ऐसे ही अप्लाई करोगे अब जैसे देखो ए बाई बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्री बाई फोर है बी बाई सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइव बाई सेवन है और c बाई डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 बाई नाइन है हाँ जी अब सोल्व कर लोगे इसको आसानी से कैसे चार से टू टाइम्स में थ्री से थ्री टाइम्स में ऊपर आया दस नीचे आया ट्वेंटी वन यानी a बाई डी का रेशियो कितना हो गया फ्रैक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में है लीनियर में लिखोगे तो टेन इज टू ट्वेंटी वन लिख दोगे टेन इज टू ट्वेंटी वन कौन सा देखो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दूसरा मेथड लॉन्ग मेथड नहीं करते कि वही जो पुराना अप्रोच कर रहे थे फॉलो ऐसे B, है एक छोड़कर लिखो टू सी फाइव इज टू सेवन है सी इज टू डी एट इज टू नाइन है और फिर फील करते फिर फील करते ऐसे थ्री सॉरी चार रिपीट है इधर चार है तो चार रिपीट करोगे सात खाली में फील करना है सात इधर साइड पांच है तो पांच फील करोगे इधर साइड आठ है तो आठ फील करते जाओगे मल्टीप्लाई करोगे इसका तो पांतिया पंद्रह देखो ध्यान से ए और डी चाहिए हमें सिर्फ तो ए ये रहा और डी ये रहा इसका रेशियो चाहिए देखो ध्यान से पांतिया पंद्रह पंद्रह अट्ठा एक सौ बीस हो गया देखो ध्यान से सात देखो ध्यान से अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो नौ सात तिरसठ तिरसठ इंटू फोर तिरसठ इंटू फोर यानी चारियां बारह छह चौके चौबीस एक पच्चीस अब इन दोनों का रेशियो चाहिए इन दोनों का ही सिर्फ रेशियो से मतलब है हमें इन दोनों से मतलब रखो एक सौ बीस इज टू टू फिफ्टी टू ये भी एक मेथड है तो कैसे करोगे बारह से बारह से दस बारह दुनिया चौबीस बारह कहीं दस इक्कीस आ गया तो देखो आसानी से कर लोगे तो आप ऐसे भी जा सकते थे ऐसे भी जा सकते थे एग्जाम एग्जाम में में हम इतना नहीं सोचेंगे, हर चीज लिखेंगे। लिखेंगे? कैसे देखो ध्यान से। से 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 ए ए ए और 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 डी डी का का। चाहिए ना, तो बी बी चले चले जाओ, जाओ, सी सी फिर ऊपर कितना दस नीचे कितना आप आसानी से कर लिए चलिए मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाओ देखो ध्यान से A to B, B to C, C to D. अब हमें ये कहा गया है ए बी बाई सी डी निकालना है ध्यान से देखो हमने यहां तक कर लिया ना सारा कुछ गेम कंप्लीट कर लिए हैं चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से हमें बताना है ए बी बाई सी डी तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपने पहले कभी किया नहीं होगा तो आप स्टार मार्क कर लेना देखो कैसे करोगे ऐसे ब्रेक कर लो ऐसे ब्रेक कर लो ऐसे ब्रेक कर लो यानी से, से तरीका जो अभी हमने अप्लाई किया था यहां पे वही देखो ए से हमें फाइनली चाहिए सी तो क्या इसके लिए क्या कहा जाना पड़ेगा ए से बी पे चले जाओ और फिर बी से सी पे चले जाओ तो देखो बी बी कैंसिल ए बाई सी आ गया अब आ जाओ मल्टीप्लाई बी से डी पे जाना है तो बी से डी पे जाने के लिए क्या करोगे बी से हमें डी पे जाना है तो बी से पहले सी पे चले जाओ और फिर सी से डी पे चले जाओ तो देखो सी सी कैंसिल बी बाई डी आ जाएगा ये और ए बाई सी आ जाएगा यानी हमें ये करना है ए बाई बी कितना है थ्री बाई फोर क्वेश्चन में देखो ए बाई बी थ्री बाई फोर बी बाई सी टू बाई सेवन इन टू बी बाई सी फिर टू बाई सेवन इन टू सी बाई डी सी बाई डी फाइव बाई टू है सिर्फ क्या मतलब इसको हमने ब्रेक किया और ऐसे ब्रेक कर दिया अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो नहीं तो हमारा आंसर तक पहुंच जाएंगे कैसे करोगे देखो ध्यान से दो इंटू टू तो चार चार से चार कैंसिल हो गया ऊपर कितना हो गया पांच इंटू थ्री पंद्रह नीचे कितना हो गया नीचे कितना हो गया सात दूनी चौदह चौदह सात अंठानवे यानी फिफ्टीन इज नाइनटी एट फिफ्टीन इंस टू नाइन एट यानी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिए आपने चलिए मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन करने का मैंने दो तरीका बताया था जैसे देखो थ्री ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू फोर सी है मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या बताया था कि तीन दो और चार का एलसीएम लो तो चार में दो ऑलरेडी आ जाएगा तीन में नहीं तीन अन तो चार इंटू थ्री ट्वेल्व एल्सियम हो गया ट्वेल्व 12, 12 से डिवाइड कर दोगे तीन को यानी चार आएगा इसको करो, करो आ जाएगा। इसको करो 4 से, यानी आएगा। कितना गया? ये रहा दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था कि पहले इसमें चेक कर लो मैंने आपको बताया था ना कि टू ए इज टू अगर थ्री बी हो तो एज टू बी डायरेक्टली लिखते हैं क्या ए थ्री बी टू लिखना सिखा चुका हूं ये जैसे देखो इन दोनों को सोल्व करोगे ए टू बी थ्री का रेसियो टू इज थ्री आना चाहिए देखो ध्यान से यहां पे थ्री है तीन दो नीचे नहीं हो सकता फोर इस है नहीं हो सकता यहां पे टू इज टू वन है दो से कैंसिल करोगे तो नहीं हो सकता यानी एक ही ऑप्शन है टू इज टू थ्री देखो टू टू जा टू थ्री जा हमारा आंसर आ गया तीन ऑप्शन इलिमिनेट कर दिए थे हमारा आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया गया इस क्वेश्चन पे नंबरिंग नहीं मेंशन है, देखो ध्यान से यहाँ पे इस क्वेश्चन को वही करना है हमारे पास दिया गया है right? पहले हम आते हैं बेसिक अप्रोच दो तीन चार और पांच का एलसीएम से पांच और तीन में कोई कॉमन नहीं है तो पांच इंटू थ्री होगा दो और चार में चार में दो ऑलरेडी आ जाएगा तो पांच पंद्रह पंद्रह चौके बीस सो पंद्रह चौके साठ आ गया एलसीएम कैसे मैंने निकाला देखो ध्यान से एलसीएम निकालना पांच और तीन में कोई कॉमन नहीं है तो एलसीएम जैसे ही लेता तो होगा साठ हो गया अब दो से डिवाइड करो तो तीस हो गया तीन से डिवाइड करो तो यानी बीस हो गया चार से डिवाइड करोगे पंद्रह हो गया और पांच से डिवाइड करोगे तो ट्वेल्व आ जाएगा आपका रेशियो तीस बीस पंद्रह बारह तीस बीस पंद्रह बारह कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ये था हमारा बेसिक मेथड अब ऑप्शन अप्रोच से जाओ ऑप्शन अप्रोच से कैसे करोगे बेस अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि आपने बेसिक क्यों बताया पहला दो रीजन है पहला आपको ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स है तो बेसिक जानना जरूरी है लेकिन एग्जाम में हर चीज ऐसे नहीं करेंगे दूसरी बात आपको मैं आपको बताया हूं

ए और बी का रेशियो क्योंकि ऑप्शन में ए बी सी डी ही है ना रेशियो में तो थ्री टू टू आना चाहिए देखो ध्यान से ये थ्री इज टू टू है पंद्रह थ्री इंस टू टू नहीं है ये वन इज टू थ्री है नहीं हो सकता ये देखो अगर इसको काटूंगा छ से छोनी बारह छह पांच तीस यानी फाइव इज टू टू है गलत हो गया हमें थ्री इज टू टू एक ही ऑप्शन में था क्या हमें इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत पड़ी तो ये है हमारा एग्जाम अप्रोच कि एग्जाम में हम कैसे करेंगे बेसिक की नॉलेज जरूरी है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच किस तरह से करते हैं 2023 अभी लेटेस्ट हुआ है 2024 तो आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो कि हमें एग्जाम निकालना है देखो लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है, कैसे करोगे पहला मेथड पी और क्यू पी कितना हो गया थ्री क्यू कितना होगा दो रेशियो पी और क्यू का देखो स्टार्टिंग में पी क्यू दिया गया पी क्यू का रेशियो थ्री इज टू टू थ्री टू टू है हाँ ये थ्री टू टू है नहीं कैसे चार से करोगे तो चारियां चार पांच बीस थ्री इंस टू फाइव है टू इज टू थ्री ये भी है थ्री इज टू टू ये गलत सॉरी टू थ्री टू टू चाहिए ये नहीं है टू इज थ्री है दो ऑप्शन खत्म हो गए दो ऑप्शन है दो ऑप्शन है अब देखो ध्यान से दो ऑप्शन ये रहा अब दूसरी बार यहां पे ही गड़बड़ हो जाएगी ना देखो यहां पे ही बी इज टू सी टू सी में दोनों में चेंजेस है तो चेक कर लो से देखो बी टू सी बीस टू सी का मतलब क्यू इज टू आर देखो इन दोनों को एक साथ लोगे तो क्यू कितना आएगा चार और आर कितना आएगा? तीन फोर इज थ्री आना चाहिए अगर मैं बात करूं पांच से तो फाइव फाइव फोर फा, जा फाइव थ्री जा चार से करता चार तीन चार पांच फाइव इज थ्री तो नहीं बल्कि फोर इज तो थ्री आना चाहिए ऑप्शन डी ये गलत देखो हमने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच किया ना अगर इसका बेसिक से करना होता तो बेसिक से भी कर लेते बेसिक से भी कोई टाइम नहीं लेगा बेसिक से फास्ट देखो मैं लिखा लिखना सिखा रहा हूं देखो ध्यान से पांच चार तीन और दो का एलसीएम बताओ पांच और तीन पंद्रह पंद्रह चूंके साठ साठ से डिवाइड करते तीस आएगा साठ से डिवाइड करेंगे उनगे बीस आएगा साठ को चार से डिवाइड करोगे रुको चार क्या है पेन वर्क नहीं कर रहा है रुक जाइएगा थोड़ा सा हम्म चार से डिवाइड करोगे तो कितना होगा पंद्रह होगा एज वेल एज पांच से डिवाइड करोगे तो बारह आ जाएगा तीस बीस पंद्रह बारह किसमें है देखो ऑप्शन नंबर डी तो चाहे आप डायरेक्टली डायरेक्ट करना भी है बेसिक से भी तो एग्जाम में सिर्फ ये करोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे तो दोनों अप्रोच मैं सिखाते जा रहा हूं आपको किस तरह से करना है डरना नहीं कि आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको हर तरह के नॉलेज होने चाहिए लेकिन आप एग्जाम में वो चीज करो जिससे आप फास्ट कर सको तो आपको नहीं समझ में आ रहा ये करना ऑप्शन अप्रोच डायरेक्टली सीस्टी डिवाइड कर दो एंसर आ जाएगा चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में आ जाओ नेक्स्ट के लिए मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया था ना आपको कॉन्सेप्ट ये देखो ध्यान से फिर से बता देता हूं कोई दिक्कत नहीं है देखो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था क्या अगर ए बाई थ्री इजल टू बी बाई फोर इजल टू सी बाई फाइव रहे तो रेशियो एस टू बी इज टू सी का रेशियो डायरेक्टली हो जाता है क्या थ्री इज टू फोर इज टू फाइव अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे जाकर के यूज करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में देखो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है देखो जे बाई फोर के बाई फाइव एल बाई इतना तो हमारे पास आ जाएगा जे के एल का रेशियो कितना हो गया फोर इज टू फाइव इज टू थ्री आ गया हाँ जी अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में देखो ध्यान से हमें चाहिए एल प्लस जे एल प्लस जे एल प्लस जे इन दोनों का सात का स्क्वायर यानी सात चार प्लस तीन सात सात का स्क्वायर उनचास होना चाहिए यानी पहले उनचास होना चाहिए सिक्सटी फोर है ट्वेंटी फाइव है दोनों खत्म हो गए अब आ जाओ जे प्लस के जे प्लस के इन दोनों का सम पांच प्लस चार नौ नौ का स्क्वायर एट्टी वन क्योंकि हमें यह चाहिए था और के प्लस एल के प्लस एल पांच और तीन आठ आठ का स्क्वायर सिक्सटी फोर जो आपका आंसर हो जाएगा लास्ट में सिक्सटी फोर ये ऑप्शन नंबर डी आई होप ये क्वेश्चन देखो एम टी एस के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया था चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सेम रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन बस डाटा चेंज किया गया है तो बताओ पी बाई टू क्यू बाई एस यानी पी क्यू आर का रेशियो आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट टू फाइव सिक्स अब जो क्वेश्चन में दिया गया है पी स्क्वायर देखो ध्यान से पी कितना है दो दो का स्क्वायर चार पी प्लस क्यू का स्क्वायर पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू पांच और दो सात सात का स्क्वायर उनचास होगा और क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर छह पांच ग्यारह ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस देख लो चार उनचास एक सौ इक्कीस वैसे भी आप चार पहला ही करके ला सकते थे आंसर देखो चार आया देख रहे थे चार किसी में नहीं था स्टार्टिंग इस में इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है खत्म कर लो चार इसमें था आगे चेक कर लेते सिक्सटी फोर आ रहा था तो हमारा कौन सा सॉरी पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू सात का उनचास आना चाहिए अच्छा ठीक है ये रहा उनचास ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते तो हम डायरेक्टली कर सकते थे पूरा अगर कैलकुलेट भी नहीं करते तो फिर भी ये तो बेसिक क्वेश्चन है तो कैलकुलेट कर सकते हो फिर देखो रिपीट किया गया क्वेश्चन ए इजू बी सी का रेशियो डायरेक्टली क्या हो जाएगा टू इज टू थ्री इज टू सेवन देखो क्लास वन टू थ्री फोर स्टार्टिंग के क्योंकि मैंने बताया था परसेंटेज और परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्सन ये दोनों बेस हैं अर्थमेटिक इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान देकर के धीरे धीरे आराम से करा रहा हूं आपको क्वेश्चन आ जाओ फोर ए देखो ध्यान से हमें निकालना जो है ये है फोर इंटू ए फोर इंटू ए, ए कितना है टू यानी चार दो आठ हो गया प्लस थ्री इंटू बी थ्री इंटू थ्री बी कितना है थ्री नाइन माइनस सी सी कितना है सात यानी ये हो गया

इव सिक्स फोर ये तो डायरेक्टली दिया गया है अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है ए प्लस बी देखो ध्यान से क्वेश्चन में कहा गया कि ए प्लस बी प्लस सी ओभर थ्री ए प्लस बी माइनस सी क्या होगा देखो एक चीज मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट आगे जाकर के बता भी दूंगा अभी भी बता दे रहा हूं देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या होता है होमोजीनियस इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि होमोजिनियस इक्वेशन क्या होता है जो आप इस पे कमेंट्स करके ये बोलोगे कि सर होमोजीनियस इक्वेशन मैं आपको होमोजिनियस इक्वेशन का मतलब बताता हूं आपके एग्जाम में कभी थ्योरेटिकल नहीं आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं आने वाला है होमोजिनियस इक्वेशन का मतलब क्या है जैसे देखो यही क्वेश्चन उठा जैसे मैंने इस तरह से लिया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी तो देखो समझना होमोजीनियस का इक्वेशन का मतलब क्या है देखो वेरिएबल कौन है तीन ही वेरिएबल है ए बी सी बाकी तो नंबर है हर एक वेरिएबल पे पावर वेरिएबल पे पावर जो होना चाहिए सेम इच वेरिएबल पे इच वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए एक मिनट इच वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए जैसे देखो यहां पे ए बी सी पे पावर वन 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 चल रहा है तो ये क्या कहलाएगा होमोजीनियस इक्वेशन ये क्या कहलाएगा होमोजीनियस इक्वेशन एक मिनट कॉलिंग को ऑफ कर साइलेंट करता हूँ चलिए अब आते हैं ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जैसे इस तरह से ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यू ओभर ए प्लस सी प्लस सी का फोर प्लस डी इस तरह से अब बताओ ये क्या होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप क्या कहोगे देखो ध्यान से ए बी सी डी चार वेरिएबल है क्या सभी वेरिएबल पे पावर सेम है नहीं है क्योंकि यहां पे ए पे पावर वन है बी का पे पावर टू है सी पे पावर थ्री है और डी पे सी पे पावर थ्री कहीं फोर है कहीं डी पे पावर वन है तो पावर सेम नहीं है तो दिस इज नॉट ए होमोजीनियस इक्वेशन नॉट होमोजीनियस इक्वेशन ठीक है ट होमोजीनियस इक्वेशन समझ में आ गया इतना तो होम जैसे देखो यहां पे ए बी सी वेरिएबल सभी पर पावर सेम है हां जी प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता उससे सिर्फ होमोजीनियस जब होमोजीनियस इक्वेशन है तो डायरेक्टली ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू ये सी की वैल्यू ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन में रख सकते हैं और तभी सोल्व होगा अगर नॉन होमोजीनियस होता तो कैन नॉट सोल्व कभी सोल्व नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन अगर इस तरह से पावर अगर चेंजेस दे दे तो कभी सोल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि रेशियो का मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में रेशियो यूनिटलेस होता है अगर ऐसे कर दोगे तो यूनिट गड़बड़ हो जाएगी इसीलिए होमोजेनियस इक्वेशन एग्जामिनर देता ही है और कैसे पहचानते हो समझ गया समझ गए तो डायरेक्टली रखो ए प्लस बी प्लस सी पांच छह ग्यारह ग्यारह और चार पंद्रह ऊपर हो गया नीचे आ जाओ थ्री इंटू यानी थ्री इंटू मतलब ए पांच है पंद्रह प्लस बी कितना है सिक्स और सी कितना है हमारे पास चार ये रहा तो ऊपर हो गया फिफ्टीन नीचे कितना हो गया पंद्रह छह इक्कीस माइनस चार सत्रह रेशियो कितना होगा चाहे ऐसे लिखो लिखो या रेशियो के फॉर्म में लिखो 15 इस टू 17, दोनों का मतलब तो सेम ही है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये पता चल गया होमोजीनियस का मतलब आगे जाकर के इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी होमोजीनियस इक्वेशन से रिलेटेड नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट है एस टू बी टू सी ए बी सी का रेशियो दिया गया है ए बी सी का रेशियो क्या है टू इज थ्री इज टू फोर दिया गया है हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है अब आ जाओ देखो ध्यान से अब आते हैं हमें चाहिए ए बाई बी हमें चाहिए ए बाई बी बी बाई सी सी बाई ए का रेशियो ये चाहिए हमें अब कैसे करोगे ए बाई बी तो टू बाई थ्री ए बाई बी का मतलब टू बाई थ्री बी इज टू सी बीस टू सी ये वाला थ्री इज टू फोर और क्या चाहिए सी बाई ए सी बाई एन चार बाई टू सी कितना है चार और ए कितना है टू ये रहा अब देखो ध्यान से जो कैंसिल होता है ratio simplest form में होता है 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 जो cancel हो रहा है, उसको काट लो यानि ये कितना है? By अब मैंने ऐसे क्वेश्चन को करना सिखाया था क्या मैंने बताया था डिनोमिनेटर पार्ट का लो एलसीएम तीन चार और एक बारह बारह सभी में multiply कर दो पार्ट में मल्टीप्लाई कर दो बारह से देखो तीन से चार यानी चार इंटू टू आठ हो गया चार से तीन टाइम्स में थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया आगे बढ़ो दो से तो ये कैंसिल हो गया बारह इंटू टू यानी चौबीस हो गया आठ नौ चौबीस कौन सा आंसर होगा देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से हमने ये सारी चीजें सीख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है पी क्यू आर का रेशियो दिया गया है फोर इज टू सेवन इज टू नाइन आर इज टू एस दिया गया है इतना हमें पी इज टू एस चाहिए हमें पी एच टू एस चाहिए ना तो पी टू एस चाहिए तो कैसे जा सकते हो पी एच टू एस पी से यस जाने का मतलब क्या है एक तो तरीका है कि पी से क्यू में चले जाओ फिर क्यू से आर में चले जाओ और आर से एस में चले जाओ तो देखो ध्यान से क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा आर से आर कैंसिल हो जाएगा पी बाई एस मिल जाएगा चलो देखते हैं क्या दिया गया है पी बाई क्यू ध्यान से देखो पी बाई क्यू लेकिन एक चीज और गड़बड़ क्या है पी बाई क्यू देखो ध्यान से p बाई क्यू तो ठीक है p बाई क्यू इतना है q बाई आर सेवन बाई नाइन है r बाई एस देखो r यहां पे भी था ना r यहां पे नाइन है और r यहां पे दो है यानी सेम बनाना पड़ेगा ना तब अप्लाई कर सकते हो ना तो सेम बनाना है तो इतना झंझट ही नहीं करना है ये मेथड मत अप्लाई करो डायरेक्टली क्योंकि फिर सेम बनाना ही है तो डायरेक्टली पी और एस वाला वैल्यू रख लेंगे ना इतना करने की जरूरत नहीं है जैसे देखो पी क्यू आर का रेशियो दिया गया हमारे पास फोर इज टू सेवन इज टू नाइन अगर सभी दिया रहता तब ना आर देखो आर यहाँ पे नाइन था आर यहाँ पे दो था गड़बड़ है ना तो पहले सेम बना के करेंगे इसीलिए वो मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें सारा डाटा दिया नहीं हुआ था मेथड तो अप्लाई हो जाएगा लेकिन सारा मे... डाटा दिया नहीं हुआ था एक मिनट कॉल आ रहा है चलिए उस पर काम नहीं करते देखिए ध्यान से और हमारे पास दूसरा दिया गया है, आर इज टू एस आर कितना है टू इज टू फाइव देखो ध्यान से यहां पे आर है नाइन यहां पे है आर टू तो क्या करेंगे सेम बनाने के लिए दो से यहां पे मल्टीप्लाई और नाइन से यहां पे मल्टीप्लाई लेकिन हमें जो कहा गया उससे मतलब होना चाहिए पी और एस से मतलब होना चाहिए तो पी देखो चार इंटू टू आठ पी ये रहा यस कहां से आएगा यहां से नाइन इंटू फाइव फोर्टी फाइव यानी एट इज टू फोर्टी फाइव आना चाहिए देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो हमें पूरा थोड़े मतलब है किसी से जो कहा जाए एग्जाम में हमें उतना जरूरत है जिसका हमें निकालना है ठीक है जो निकालना है वहीं सिर्फ हमें फोकस करना है चलिए आ जाते हैं अब ये कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद हमारा क्लास वन सेशन एंड हो जाएगा जैसे देखो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यहां पे मैं सिखा देता हूं कॉन्सेप्ट इससे पहले रुक जाओ ये हमारा था क्वेश्चन हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं ये सिक्सटीन क्वेश्चन तक आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है समझना बात को कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसे दियाई एफ e कुछ भी दिया मान लो यहां पे टू बाई थ्री दे दिया ठीक है और आपसे अब आप पूछने जा रहा है देखो मैं तीन चार क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं पहला थ्री ए प्लस माइनस थ्री सी सॉरी सी ऐसे ले लेता हूं फोर सी प्लस माइनस सिक्स डी ओवर नीचे आ जाओ नीचे थ्री बी प्लस माइनस यहां पे मैं ई e रखना रुक जाओ बस थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट कर लेने दो फिर मजा आ जाएगा आपको ई प्लस माइनस फोर डी प्लस माइनस सिक्स एफ देखो समझा रहा हूं बात को डायरेक्टली हम क्वेश्चन का अप्लाई करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे दो तीन क्वेश्चन लगातार पूछे गए और कभी भी इसमें हम जनरल मेथड लगा करके एक पेज में आधे आधे पेज में सॉल्यूशन नहीं करेंगे समझना बात को हमें यहां पे दिया गया ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ का रेशियो इतना तो जो ये दिया गया है ना ध्यान समझना जो ये दिया गया है जो ये क्वेश्चन में दिया गया है वही चीजें ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ वही हम इसमें भी खोजेंगे देखो ध्यान से ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ सेम दिया गया है तो सेम होना चाहिए देखो ऊपर थ्री है तो नीचे थ्री कैंसिल होकर के ए बाई बी मिलेगा फोर ऊपर है फोर नीचे है तो कैंसिल होकर के सी बाई डी मिलेगा सिक्स ऊपर है सिक्स नीचे है कैंसिल होकर के ई e बाई एफ मिलेगा और प्लस माइनस का मतलब है कि ऊपर प्लस होगा तो नीचे भी प्लस होगा नीचे अगर नीचे ऊपर माइनस होगा तो नीचे भी माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका भी रिजल्ट डायरेक्टली क्या है टू बाई थ्री है तो टू बाई थ्री आ जाएगा जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं जैसे देखो टू ए प्लस माइनस सिक्स सी प्लस माइनस थ्री डी थ्री ई अब मैं लिखने जा रहा हूं बाई थ्री बी प्लस माइनस सिक्स डी प्लस माइनस थ्री एफ अब ये क्या रिजल्ट इसका टू बाई थ्री होगा मैं जस्ट आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं देखो ध्यान से चेक करोगे ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ प्लस ऊपर रहेगा तो नीचे भी क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है माइनस रहेगा तो माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता ये पे देखो टू बाई थ्री है कैंसिल तो नहीं हो पाएगा ना तो इसका रिजल्ट कभी भी टू बाई थ्री नहीं होगा ये ठीक था सिक्स से सिक्स कैंसिल थ्री से थ्री कैंसिल लेकिन यहां पे कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए इसका रिजल्ट नहीं होगा लेकिन अगर यहीं पर अगर सेम बनाना है अगर मैं यहाँ पे थ्री कर देता तो रिजल्ट क्या आता सेम आ जाता डायरेक्टली टू बाई थ्री अगर मैं यहीं पे चेंज कर दूं यहीं पे फोर और इसको भी फोर कर दूं तो भी रिजल्ट सेम क्योंकि ये कटना चाहिए जिस फॉर्म में ये है उस फॉर्म में रहेगा तो हमारा आंसर रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे अब आते हैं क्वेश्चन पे ये कॉन्सेप्ट याद रखना मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट काम आएगा जैसे देखो पी बाई क्यू आर बाई एस टी बाई यू दिया गया हमें पूछा क्या गया है देखो जो पूछा गया फोर पी प्लस थ्री आर प्लस सेवन टी ओवर नीचे क्या पूछा गया है फोर क्यू प्लस थ्री एस प्लस सेवन यू पहला कंडीशन देखो ध्यान से p बाई क्यू के फॉर्म में r बाई एस टी बाई यू पी बाई क्यू आर बाई एस टी बाई यू यही है चार है तो चार से चार कैंसिल तीन है तीन से तीन कैंसिल सात सात कैंसिल प्लस प्लस था तो नीचे भी प्लस प्लस है कहीं पे माइनस होगा तो अगर यहां माइनस होता और यहां भी माइनस तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहां पे माइनस यहां पे माइनस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आप क्या करोगे डायरेक्टली अब इसका रिजल्ट क्या लिखोगे जो क्वेश्चन में है टू बाई फाइव तो टू बाई फाइव देखते ही पता चल रहा था टू इज टू फाइव का रेशियो सी एच एस एल के देखो लेटेस्ट पेपर में पूछा गया था ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच कि एग्जाम में किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है आई होप समझ में आ गया होगा चलिए इसी पे दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे देखो ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ चेक करो ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ कोई दिक्कत नहीं है थ्री बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा टू बाई टू कैंसिल हो फोर बाई फोर यही फॉर्मेट बनेगा तो ये टू बाई थ्री है तो यहां भी क्या होगा टू बाई थ्री देखो टू बाई थ्री आ जाएगा अगर कुछ भी चेंजेज यहां पे हो जाता है यहां पे अगर मैं सिर्फ एक लाइन चेंज कर दू यहां पे फोर लिख दू तो कभी भी डिफाइन नहीं कर पाओगे कभी भी रिजल्ट टू बाई थ्री नहीं कांट से बोल सकते होगी कभी भी आंसर मैच नहीं कर पाएगा तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में देखो ए बाई बी टू सी बाई डी टू वाई एफ है तो क्या लिख सकता हूं इसमें किसके इक्वल होगा तो देखो ध्यान से चेक करो बाई बी तो है सी बाई डी है लेकिन यहां पे तीन तो यहां पर भी तीन होना चाहिए था ये गड़बड़ है दूसरी बात यहां पे प्लस है तो यहां पे भी प्लस होना चाहिए था और पांच यहां पे पांच है तो यहां पे भी पांच होना चाहिए था ये गड़बड़ है पूरा का पूरा खत्म कर लो दूसरा देखो ध्यान से दूसरा यहां पे देखो a बाई बी तो है लेकिन तीन है तो नीचे भी तीन होना चाहिए था पांच है तो यहां भी पांच होना चाहिए था माइनस माइनस कोई दिक्कत नहीं है प्लस प्लस था लेकिन ये गड़बड़ है a बाई बी सही था c बाई डी सही है e बाई एफ में गड़बड़ है यहां पे पांच होता तब हो जाता दूसरी बात यहां पे माइनस है तो यहां पर भी माइनस होना चाहिए यहां पर प्लस है तो यहां पे भी प्लस होना चाहिए ये भी गड़बड़ है देखो ध्यान से ए बाई बी C मैच e कर रहा है हाँ जी ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस तीन से तीन चला जाएगा से यही फॉर्मेट बन रहा है प्लस प्लस माइनस माइनस का मैंने बोला था कि देखो प्लस का क्या बोला था यहां पे देख ध्यान से देखो अगर ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस होना चाहिए ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस होना चाहिए यही कंडीशन तो बताया था इसीलिए मैंने दोनों लेकर के चला था तो देखो ध्यान से आंसर कौन सा होगा यहां पे ये वाला देखो ए बाई बी सी बाई डी बाई तीन से तीन कैंसिल पांस पांस। प्लस है तो नीचे भी प्लस ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस यानी यही सही है ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो तो इस तरह से हमारा क्लास वन इंड होता है क्लास टू में हम क्या करेंगे अब जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे और कुछ चीजें जो भी सीखनी होगी मैं आपको सिखाऊंगा हरेक एक क्लास में तो आई होप आज का सेशन मजा आया होगा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को हर एक वीडियो में मिलेगा हम यहां पे सिर्फ ये नहीं सीख रहे हैं देखो मैं आपको यहां पे पहला क्या सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल्स के साथ डिटेल्स विथ शॉर्ट उसमें कैसे करना है दूसरा मैं आपको सिखा रहा हूं बेसिक से एडवांस लेवल की कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट कर करे थर्ड आपको स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूं स्मार्ट अप्रोच और एग्जाम अप्रोच की एग्जाम में हमें क्या करना है वो सारी चीजें आप यहां पे देख रहे हो तो आपका काम क्या है सिर्फ मैं आपको दो ही चीजें बोला हूं प्रैक्टिस आपके पास मैथ के लिए सिर्फ दो काम करना है पहला काम क्या करना है जितना मैं करा रहा हूं मैथ में जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए फिंगर टिप्स का मतलब आपको हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो मैं सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के बाद स्मार्ट अप्रोच जो भी आप ट्रिक्स बोल लो इसको एग्जाम अप्रोच बोलो ठीक है वो जो चीजें मैं सिखा रहा हूं यानी मेरे सीट से एक भी क्वेश्चन आपको जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए दूसरी बात आपको और कुछ नहीं करना है जितना मैं करा रहा हूं उतना आपके पास एक बुक होना चाहिए पी का और वो भी मैंने बता चुका हूं क्या होना चाहिए पिनेकल पिनेकल की ले लो पिनेकल फिफ्थ एडिशन एडिशन आता है है, है नाम किसे? मैथ 6800 प्लस मैथ एडिशन लेना में में भी आती है, हिंदी में भी आती आती कोई फर्क नहीं पड़ता है है लेकिन लेना तो एडिशन। इसका क्या है? कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको आपको दिक्कत आती है जैसे आपने ये सीख लिया आपको इस बुक से करनी है किससे करनी है प्रैक्टिस इस बुक से करनी है ठीक है और क्या, कोई भी मान लो क्वेश्चन में दिक्कत आई जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस बुक में है रेशियो एंड प्रपोशन का इस बुक में है टोटल टू सेवेंटी वन क्वेश्चन मान लो इसमें तो अपने यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आपको इसका सोल्यूशन करा रहा हूं इस बुक का पूरी तरह से सोल्यूशन करा रहा हूं तो 15 नंबर नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 जाकर के यूट्यूब पे देख लो मेरी मेरे चैनल पे वीडियो तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा यानी आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा डाउट कौन सोल्व करेगा एंड थर्ड जब ये दोनों चीजें आपकी पैरलरी कंप्लीट हो जाए आपको सिर्फ देना है मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट आप फुल दे सकते हो या सेक्शनल भी दे सकते हो सेक्शनल यानी कि वाइज अब आपको वाइज नहीं देना वाइज में जैसे 2018 से लेकर के 2023 तक का मॉक जो पी क्यू का है पीवाई क्यू यानी पीवाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टेस्ट बुक पे मिल जाएगा टेस्ट बुक ऐप पे आपको बहुत ही प्रो पास, बुक, प्रो पास ले लोगे तो सो तीन सो में आपको पूरे साल भर के लिए मिल जाता है सारे की सिर्फ आप प्रैक्टिस कर जाओ थ्री टू फोर टाइम्स सिर्फ इतना करोगे मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का हो सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस एसएससी जीडी जितनी भी आपसे कभी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये काम करते हो तो और मैंने कैलकुलेशन सीरीज मैं ऑलरेडी ले रहा हूं तो कैलकुलेशन तो पर डे काम है करना इसको लाइटली मत लो देखो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं ना तो आपको बूस्ट करेगा आपकी प्रिपरेशन को और आपको पूरी की पूरी मॉक में हेल्प करेगा तो वो है कैलकुलेशन सेक्शन क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट तो कहीं से भी पढ़ सकते हो लेकिन किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है जैसे देखो मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को बुक में भी आप जाकर के जैसे देखो मैं बता रहा हूं क्या आप समझना बात को ये जो है पिनेकल की बुक में यह क्वेश्चन मिल जाएगा फिफ्थ एडिशन में क्योंकि एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था लेटेस्ट उस बुक का सोल्यूशन देख लेना सिर्फ आप बुक का सोलूशन देख लेना फिर आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन बिना ओरली था कि टू इज टू फाइव मारने वाला था उस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन इतना आधे पेज में करके आंसर तक पहुंचना वो टोटली totally क्या है वर्थ वर्थ नहीं है ठीक है इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूं कि बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स है कि हम जानेंगे हर चीज लेकिन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे एग्जाम में एग्जाम हमें निकालने से मतलब ये नहीं मतलब है कि हम कित किस अप्रोच से जा रहे हैं हमें वो अप्रोच सीखना है जो एग्जाम में डायरेक्ट यूज हो ठीक है थैंक यू इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट थैंक यू